जनाब इफ्तिहार साहब, आप माशाल्लाह प्राइमरी स्कूल प्राइमरी मकतब स्कूल के हेडमास्टर हैं और माशाल्लाह ये आप आस्ता आस्ता हमने सुना है कि आपके स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है, तो ये भी एक बड़ा बड़ी एक्टिविटी है पौधों के हवाले से, तो क्या आप बतौर हेडमास्टर बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द स्कूल क्या ये मैसेज आप लेके जा रहे हैं कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं बेशक वो वल्नरेबल हैं गरीब यानी पुअर कम्युनिटी है, क्या उनके लिए आप ये उम्मीद रखते हैं कि एक एक जो बच्चा है वो एक एक पौधा लगा सकता है? जी अश्मी साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने जी। बिल्कुल सब बच्चों को हम उनकी जिम्मेदारियां लगाएंगे और हमने बहुत सारे पौधे जो अभी आप दे रहे हैं इससे पहले भी हमने अपने मजाक के तरह लगा रखे हैं। वेरी गुड, सब बच्चों की जिम्मेदारी है, ठीक है। हम मुफ्ती अरुण साहब ने बागत नया तरीका बनाया है और बाकी टीचर भी हम सारे मिलकर, और आपने जो पैगाम आज दिया है लोगों को जी। तो बड़ा अच्छा दिया है कि हर बंदे को हर ये एक एक दरख्त जो है उसकी हिफाजत करनी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं अभी बता रहा था कि मैंने बहुत सारे दरख्त वो बकरियां खा लेती हैं जी, बकरियों को इनको दरख्त से दूर करना है। देखिए एक बात है, जब देखें जिस चीज की मुखालफत नहीं है, किस चीज की मुखालफत नहीं है, वो चीज ही नहीं है। बकरी से बचना ही तो असल मकसद है, इसलिए देखें जो देखें सबसे कीमती चीज दुनिया में जो है वो इंसान है, कोई भी जानवर है हेडमास्टर साहब, कोई भी जानवर है उसका बच्चा जो है हफ्ते बाद महीने बाद दो महीने बाद उठ के चलना शुरू हो जाता है, उसको पता है कि मैंने खाना है और अजित रवाई कैसे करनी है, ये दो चीजें उसको पता होती हैं, बाकी दुनिया के और इंसान का जो बच्चा है वो 40 साल तक सीख रहा होता है, इसलिए कि ये कीमती चीज है, ये इतनी कीमती चीज है, इतनी उसकी हिफाजत ज्यादा होती है, लिहाजा अगर बकरियां इसको खाती है तो इसमें कुछ है तो खाती है ना, इसलिए बकरी ये चाहती है कि सिर्फ मैं रहूं, इसलिए कि मेरी जो मैं है मैं क्योंकि मेरी जो ना हर बंदा जो है उल्टा करके मेरी जो चमड़ी उतर जाती है, इसलिए मैं इसको इनको नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आपने उसको बचाना, बकरी को भी बचाना है, बकरी को नहीं मारना है, बकरी मौजूद हो उसके बावजूद भी ये बूटा हो जाए ये आपके लिए चैलेंज है। लेकिन अश्मी साहब इस दरख्त की हिफाजत जो इस बूटे की हिफाजत उसी तरह होती है जिस तरह बच्चे की, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे नहीं हो जाता जी, लगाते हैं।